अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 दिसंबर से आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और अब आपको ये फिक्र है कि आपकी जो डेट शीट है वो किस तरह बनती है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में स्टूडेंट्स हैं, तो किसी ने किस सिटी में जा कर देने होते हैं, किसी ने किस सिटी में। तो अब आप ये वीडियो देख के आप एक दफ़ा सीख लेंगे, जब डेट शीट आपकी आएगी तो आपने उसको किस तरह बनानी है। और मैं एक आपको एडवाइस करता हूँ कि जैसे ही डेट शीट आए तो ये आप पहले से डिसाइड करके रखें कि आपने पेपर कहाँ पे देने हैं। तो जैसे ही जिस दिन इंटरफेस लॉन्च होगा उसका डेट शीट का, तो फ़ौरन आपने जल्द अज जल्द डेट शीट बना लेनी, क्योंकि इसमें कुछ हर कैंपस में फिक्स सीट होती हैं। जैसे अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी का टाइम और अपनी मर्ज़ी का लोकेशन नहीं मिलती। तो ये ख्याल रखिएगा, वीडियो देख लीजिए और डेट शीट का जो तरीकाकार है वो समझ लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में, जो होगी आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर कि आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आप सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के ऊपर जाके, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक डेमो आपको देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो एंड तक देख लें और अपना समझ लें डेट शीट आपने कैसे बनानी है। स्टूडेंट्स, जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ स्टडी बिल्कुल यूनिक है, इसी तरह वीयू का एग्जामिनेशन सिस्टम भी इंतहाई जदीद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के लिए तकरीबन मुल्क के तमाम शहरों में इम्तिहानी मराकज कायम किए जाते हैं और हर सेमेस्टर में एक मिड टर्म और एक फाइनल एग्जाम होता है। स्टूडेंट्स, में आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बारे में एक मुनफरद बात बताती हूँ, और वो ये कि वीयू में एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मुकर्रर करदा इम्तिहानी दुरानिये में डेट शीट और इम्तिहानी मरकज का ऑनलाइन इंतखाब कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी पर्चों की तैयारी भी इंतहाई मुनफरद होती है, और वो कुछ इस तरह कि हर मजमून के माहिरीन एक मंजूर शुदा नमूने के मुताबिक इस मजमून से सवालात का इंतखाब करते हैं, जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कायम करदा क्वेश्चन बैंक में महफूज कर लिया जाता है, और फिर उस क्वेश्चन बैंक में से बजरिया कंप्यूटर हर स्टूडेंट के लिए अलहदा क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। इस सिस्टम की वजह से वीयू का इम्तहानी सिस्टम नहायत ही शफाफ और इफेक्टिव है। इसको यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ एलएमएस के अंदर भी जाएं और स्टूडेंट सर्विस के अंदर जाएं, तो आपको यहाँ पे मेक योर डेट शीट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें जी, ठीक है। और इसके अलावा नोटिस बोर्ड के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तब भी आपका ये लिंक ओपन हो जाएगा। इसके अलावा सिंपल अगर आप गूगल में सर्च करें datesheet.vu.edu.pk, तब भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसको आपने लॉगिन करना है। ये पेज जो आपके सामने है, इसको आपने यहाँ से लॉगिन करना है अपने LMS ID से, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप LMS ओपन करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपने अपना LMS ID दिखाना है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने अपने एग्जाम सिटी चेंज करने होते हैं, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ खानपुर कैंपस हैं या किसी और कैंपस हैं, उनका यहाँ पे करंट एग्जाम सिटी आ रहा होता है। अगर आपने किसी और एग्जाम सिटी में देने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज योर एग्जाम सिटी, इसको क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी सिटी में देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्ज करें जी कराची लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये कराची हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म एंड मेक योर एग्जाम सिटी, ओके हो गया जी। यहाँ चेंज कर दिया हमने,
अब यहाँ पे आ जाएगा मेक डेट शीट, ठीक है जी। यहाँ पे कराची के मुख्तलिफ जो है ना कैंपसेस आपको शो हो रहे हैं कि जो भी आपको करीब पड़ता है वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डेट शीट को बनाना शुरू कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं आप कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि जैसे बताया जा रहा है, तो आपने इस तरह कंफर्म करने के बाद जब क्लिक कर देंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपने यहाँ पे डेट शीट बनानी है। अब हम इसको बैक जाते हैं और वो बताता हूँ कि आपको अगर बाई डिफ़ॉल्ट कोई सिटी चेंज नहीं करना और वहीं पे बनानी है डेट शीट तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। लॉगिन करें। अब मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपने उसको नहीं करना चेंज, दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं, दोबारा से लगाते हैं ये आईडी पासवर्ड। ठीक है, ये चीजें बता चुका मैं आपको। अब हम इसको बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया था तो दोबारा से हम इसको कानपुर कर देते हैं। कानपुर करने के बाद क्या करना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है जी। ये कंफर्म योर एग्जाम सिटी, और ये याद रखिएगा अगर आपने डेट शीट बना ली तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये यहाँ पे इसको कर दिया और ये हमने इसको कन्फर्म कर दिया कि ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है उसके मुताबिक हम डेट शीट बना लेंगे। सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया है, सिटी के बाद कैंपस भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक पेपर हैं। और सबसे पहले मैं जस्ट एक आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने डेट सेलेक्ट की उसके बाद यहाँ पे सेशन आ जाएंगे आपके सामने, एग्जाम टाइम। पहला सेशन टोटल यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन। 8:30 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, 2, 3, 2:30 बजे है, फिर 4 बजे और 5:30 बजे, 1 घंटे का पेपर। और यहाँ से जैसे ही कोई आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से कन्फर्म कर देना है। फिर उसके बाद आपने कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आप छुट्टी रखना चाहते हैं 4 को कर लें, 4 के बाद आपने कोई भी टाइम रखना है वो रख ले, कन्फर्म करते जाएंगे। जैसे कन्फर्म करेंगे तो वो आपका ओके होता जाएगा। इसके बाद आप मतलब जो भी गिवन टाइम है ना, यहाँ से 2 से लेकर 14 तक आप कोई भी टाइम, कोई भी दिन और यहाँ से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं तब तक जब तक ये सीटें फिल नहीं हो जाती। जैसे जैसे लोग सीट बनाते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये सीट्स नंबर जो है ना वो कम होते जाएंगे। तो इस तरह आपने डेट शीट बनानी है। फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे जाके गेट यूर एग्ज़ाम पासवर्ड एंट्रेंसिप इसको आपने क्लिक करना है, तो वो आपको PDF एप सेव कर लीजिएगा। मैं ये भी बना नहीं रहा, ये स्टूडेंट जो भी हैं ये खुद बना लेंगे अपनी डेट शीट। तो इस तरह आपने इसको कम्प्लीट कर लेना है डेट शीट को, और जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने लाजमी देख लेनी है। और इसके बाद आपने उसको कन्फर्म कर लें डेट शीट का कि बन गई है। उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा फिर लॉगिन करके अपनी डेट शीट को चेक कर लें कि वो सारे के पेपर बने हुए, आपके सब पेपर हो चुके हैं। क्योंकि जब बन जाएगी डेट शीट तो फिर वहाँ पे आपकी एक डेट शीट का पेज नज़र आएगा। अगर कोई पेपर उसमें आपने नहीं ऐड किया होगा तो वो नॉट अपेयर लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने फिर उसको दोबारा से बना लेना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, सिटी चेंज भी कर सकते हैं और बाई डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।